अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कंपाउंड चॉकलेट से चॉको चिप्स और चॉको स्प्रिंकल्स बना रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। भगोने में गर्म पानी लिया है, उसके ऊपर चॉकलेट रख दूंगी। मैंने 100 ग्राम चॉकलेट ली है, इसे मेल्ट कर लेंगे। गर्म मतलब बॉइल्ड पानी लिया है, उबलता हुआ पानी। आप डायरेक्ट गैस पे भी कर सकते हैं ये, लेकिन ज़्यादा हमें उतनी ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है चॉको चिप्स करने के लिए, सिर्फ मेल्ट कर लेना है। इसीलिए देखिए मेल्ट हो रही है गर्म पानी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही मिक्स करते हुए जाइए, मेल्ट हो जाएगी। देखिए और थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है, इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। देखिए स्पैचुला को मैंने उल्टा बिठा दिया है, यहाँ पे से बार बार निकल रहा था, बैठ ही नहीं रहा था, इसीलिए इसके पीछे बाजू स्पून को बिठाया है, तो अच्छे से टाइटली बैठा है और स्पून भी वेस्ट नहीं हुआ। कि और थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए देंगे, ऐसे ही मिक्स करते हुए जाइए। अगर चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही है तो पानी को फिर से गर्म कर लीजिए। गर्म करके उसके ऊपर बाउल रखिए, बाउल टच नहीं होना चाहिए पानी के साथ, या फिर डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लीजिए या फिर माइक्रोवेव में। मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला है डबल बॉयलर और माइक्रोवेव में कैसे मेल्ट करते हैं, आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, इसे साइड में रख देंगे। देखिए ये चॉकलेट हल्का सा ठंडा हो चुका है, मैंने इस तरह से कोन बना लिया है पेपर से। अब इसके अंदर ये डाल दूंगी चॉकलेट। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है, इसके अंदर ये चॉकलेट डाल देंगे। आपके पास पाइपिंग बैग है तो उसमें डाल दीजिए, मैंने हाथ से ही बनाया है इस कोन को, मेहंदी का कोन बनाते हैं ना वैसे। अब इसे लाइटली उठा के टाइट से ऊपर बांध देंगे, रबर बैंड से बांधिए या फिर ऐसे ही पेपर को फोल्ड कर लीजिए। मैंने इस तरह से कपड़ों की बैग ली है। अब इस कोन को सामने कट कर देंगे, उतना ही छोटा सा एक होल कर देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, देख के कर लेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके देख लिया और एक डिज़ायर साइज जितना कट कर लिया है। अब इस तरह से डालेंगे, पूरा पेपर भर के डाल देंगे। पूरा पेपर भर के डाल दूंगी मैं, ये देखिए मैंने पेपर पर डाल दिया है। मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। यहाँ पे एक बैग ली है, उसे के अंदर ये चॉकलेट डाल दूंगी, सारे चॉकलेट को डालूंगी इसके अंदर। ये डाल दिया है, अब इस तरह से उठा लेंगे, यहाँ पे टाइट कर लेंगे। मैंने एक प्लेट लिया है, उसके ऊपर डाल देंगे ये। गरम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो स्प्रेड हो जाएंगे। ठंडा रहना चाहिए चॉकलेट। पूरा प्लेट भर के डाल दूंगी। देखिए पूरी तरह से सेट हो चुके हैं ये। देखिए मैंने पूरे प्लेट भर को डाल दिया है, यहाँ पे स्प्रिंकलर्स डाला है और यहाँ पे चॉको चिप्स, इन्हें सेट होने के लिए फ्रिज में रखा था। देखिए सेट हो चुके हैं, कितने इजीली निकल रहे हैं। देखिए बटर पेपर है तो ही डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल प्लेट में भी डाल सकते हैं। और ये चॉको चिप्स यहाँ एक प्लेट में भी डाला है मैंने। देखिए मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ इसमें, थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने डाला है यहाँ पे। देखिए ऊपर कैसे आए हैं यहाँ पे शार्प, और कितने अच्छे भी बने हैं आप देख सकते हैं, हर एक के देखिए एजेस आए हैं ऊपर। और ये वाले जो मैंने थोड़ा सा पतला था तब डाल रही थी, देखिए ये भी अच्छे बने हैं, लेकिन ऊपर बाजू से नहीं आया है ज़्यादा, सबको आया है, थोड़े थोड़े को नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट बने हैं चॉको चिप्स। अब निकाल लूँगी ये सब कुछ। देखिए चॉको चिप्स ऐसे आप बना के रखेंगे तो आइसक्रीम पे और केक में डालने के लिए इजीली होगा, घर पे बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं चॉको चिप्स बिना पाइपिंग बैग बटर पेपर के भी। और ये स्प्रिंकल्स जो पेपर पे बनाया था वो भी निकाल ली हूँ।
देखिए हमारे चोको चिप्स और चोको स्प्रिंकल्स रेडी हैं। अभी इस तरह से बनाइए, पेपर में किया और एक प्लेट में के यहाँ पे डाली हूँ। एक प्लेट में के आराम से निकल गए, दूसरे प्लेट में के नहीं निकले। आराम से मतलब वो भी निकल गए लेकिन टूट गए। कि ऐसे फ्रिज में रखिए, जब भी कोई भी रेसिपी को लगेगी तो लेके यूज़ करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।